वेलकम बैक टू माई चैनल रैपिड रिव्यूअर। आज हम बात करेंगे मेरी सबसे फेवरेट कोरियन ड्रामा वेब सीरीज इट्स ओके टू नॉट बी ओके तो साइको बट इट्स ओके। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर लाइफ में कभी कोरियन ड्रामा नहीं देखा है तो आप इस सीरीज से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर स्टार कास्ट की बात करूं तो इस सीरीज में हमें नजर आएंगे सीओ ये जी एस गो मून यंग किम सू सू हायन एज मून गैंगटे और ओ यंग से एज मून सैंगटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज की स्टोरी के बारे में। कहानी शुरू होती है एक मेंटल हॉस्पिटल से जहां मून गैंगटे एज अ केयरटेकर का काम करता है। उसका एक भाई भी है मून सैंगटे जिसे मेंटल बीमारी है। वही दूसरी और कहानी की फीमेल लीड गो मून यंग एक चिल्ड्रन बुक राइटर है। After meeting one another, the two slowly begin to heal each other's emotional wounds. कैसे वो दोनों मिलते हैं वो आपको सीरीज में पता चलेगा। इसमें फीमेल कैरेक्टर साइको एंटी सोशल बट उतनी ही क्यूट दिखाई है। कैसे वो मून गैंगटे के पीछे पड़ती है, कैसे उन दोनों के बीच प्यार होता है, कैसी लड़ाइयाँ होती है, क्या पास्ट है दोनों के लाइफ का, भाई भाई के बीच का प्यार, माँ और बेटे के बीच का प्यार, ये सब देखने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। हॉरर मिस्ट्री सस्पेंस रोमांस कॉमेडी आपके सभी जॉनर के लिए ये सीरीज परफेक्ट फिट है। इस सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स दोनों भी अच्छे हैं। इस सीरीज के जो लीड एक्टर्स हैं इनके बिना ये सीरीज कुछ भी नहीं है। ऐसी एक्टिंग की है सभी लोगों ने। यू विल क्राई, यू विल लाफ, यू विल बी स्केयर्ड एट द सेम टाइम, ऐसी स्टोरी है इस सीरीज की। सीरीज देखने के बाद आपको फीमेल लीड से प्यार हो जाएगा। शी लुक्स ब्यूटिफुल, क्यूट, फ्रीकी एट द सेम टाइम। I know most of the Indian people don't watch the Korean drama. कुछ लोग लैंग्वेज की वजह से गिव अप कर देते हैं, but trust me, उनकी मूवीज और सीरीज की स्टोरी हमेशा यूनिक होती है। आप सबटाइटल्स के साथ पूरी सीरीज समझ सकते हो। This is an excellent example of romantic series without a single adult scene. You should experience it yourself and I will bet that you will not regret or feel like you were wasting your time for this. This is a masterpiece. आशा करता हूँ कि आप ये सीरीज जरूर देखेंगे। Do you won't be disappointed? Please subscribe my channel for more movie recommendations and reviews. Thank you.